जी आप होम्योपैथिक दवाइए लोगों के लिए वर्सोवा रुकनी सुनी जमाट ट्रस्ट जो यहाँ की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था है वर्सोवा की, जो दरगाह कब्रिस्तान मस्जिदें मैनेज करती है हमारे एरिया की। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जब से यह महामारी शुरू हुई है उस दिन से अजय कौल सर, जो आप मेरे पीछे देख रही है, स्कूल के प्रिंसिपल है, मोहल्ला कमेटी के ट्रस्टी है, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने शुरू किया है। बहुत बड़ी मदद ये एरिया में उनकी तरफ से हुई, अनगिनत काम उन्होंने डे वन से शुरू किया है। खुद बीमार रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से पीछे नहीं रखा और हर काम किया उन्होंने जो ज़रूरी होना चाहिए। फूड पैकेट्स बांटना है, राशन बांटना है, महामारी में जो लोग अफेक्ट होते हैं उनकी सुविधा करना है, एम्बुलेंस, गवर्नमेंट मशीनरी, पुलिस, BMC ऑफिशल्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनके साथ में तालमेल करना, पेशेंट्स को यहाँ से वहाँ ले जाना, हर चीज़ की मदद उन्होंने की है। यहाँ तक कि जब रमज़ान का वक्त आया तो थोड़ी सी हमको ये फिक्र हो गई कि भाई अब रमज़ान का ट्रैवल वगैरह कैसे मिलेगा हमको, क्योंकि एरिया पूरा लॉकडाउन था। तो उन्होंने उसका भी मुहैया करके दिया हमको, खुद के स्कूल के ग्राउंड में ही उन्होंने वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट खोल के दे दिया। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि स्कूल के अंदर वो सोशल डिस्टेंसिंग का वो सारा प्रोटोकॉल जो होता है वो बराबर से मेंटेन होता है, लोगों की अच्छी तरह से लाइन लगती है और लोगों की सुविधा हो गई, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ थी वो सही तरीके से यहाँ पर मिल रही है। तो ये महामारी के साथ में पूरा गांव, पूरा वर्सोवा, पूरा अंधेरी एरिया कौल साहब के साथ में, उनकी संस्था एकता मंच, उनके सहयोगी प्रशांत सर जो भी साथ में उनके साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारी कोली संस्था है यहाँ की गाँव की, या हमारी मुस्लिम संस्था है बोलो, सारे इलेक्ट्रिक, ये सब जुड़े हुए सर के साथ में और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये वायरस यहाँ से जाता नहीं है। हमारी जंग जारी रहेगी। थैंक यू।